नमस्कार, मैं हूं तन्या कसौदन और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। राजस्थान में बहुत जल्द चुनाव होने वाला है, ऐसे में राजस्थान की सियासत गरमाई हुई है। इन्हीं सब के बीच राजस्थान के कैबिनेट मंत्री ने अपने भतीजे की दबंगई पर पर्दा डालते नजर आए हैं। भतीजे को दबंगई के मामले में लपेटता देख मंत्री जी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल राजस्थान के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खजुरियावास के भतीजे हर्षदीप की दबंगई का मामला सामने आया है। दबंगई की घटना जयपुर के होटल काउंटी की है। ये होटल वैशाली नगर थाना इलाके में स्थित है। होटल में देर रात हर्षदीप खजुरियावास अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचा था। किसी बात को लेकर होटल के गेस्ट से झगड़ा करने लगा। जब मामला ज्यादा बढ़ा तो होटल के कर्मचारियों ने बीच बचाव कराया। इसके बावजूद भी मंत्री के भतीजे हर्षदीप खजुरियावास ने होटल कर्मचारियों के साथ मारपीट की, साथ ही होटल में जमकर तोड़फोड़ भी की। लेकिन वो शायद ये भूल गया था कि लोगों की नजरों से तो वो बच जाता, पर एक और आंख है जो सब कुछ अपने अंदर कैद कर लेती है। जी हाँ, ये पूरी घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। होटल प्रशासन की सूचना के बाद वैशाली नगर थाना पुलिस की मौके पर पहुंच गई, लेकिन मंत्री जी के भतीजे की हौसले की दाद देनी पड़ेगी। पुलिस के आने के बाद भी मंत्री के भतीजे की दबंगई नहीं रुकी। हर्षदीप ने होटल कर्मचारियों को धमकाते हुए पुलिसकर्मियों के सामने ही तोड़फोड़ की, होटल कर्मचारियों की पिटाई भी की। ये पूरी घटना वैशाली नगर थाना पुलिस के जवान खड़े खड़े देखते रहे। वहीं घटना के बाद होटल के मैनेजर अभिमन्यु सिंह ने बताया कि पूरे मामले की सूचना पुलिस को देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने लगातार इस मामले में राजीनामा करने को लेकर दबाव बनाया। होटल के मैनेजर ने बताया कि पुलिस मंत्री का भतीजा होने के चलते एफआईआर भी नहीं दर्ज कर रही थी। वहीं मीडिया से बात करते हुए राजस्थान के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खजुरियावास ने सफाई देते हुए कहा कि मेरे भतीजे हर्षदीप ने होटल में एक दंपति की मदद की थी, लेकिन इसे लेकर अलग ही बात शुरू हो गई है। जहां उसे पुरस्कार मिलना चाहिए, वहां उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। अगर वो बीच बचाव नहीं करता तो इस बात का भी नेगेटिव इश्यू बनाया जाता कि खजुरियावास के भतीजे ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई। उन्होंने आगे कहा, किसी भी होटल स्टाफ को एक खरोच तक नहीं आई। होटल वालों को पता चला कि हर्षदीप मेरा भतीजा है, इस कारण मामले को तूल दिया गया है। मेरे भतीजे ने तो मामले में बीच बचाव किया था। किसी ने भी होटल के स्टाफ के साथ मारपीट नहीं की है। हर मुद्दे को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। अब मंत्री जी चाहे जितना सफाई पेश कर ले, पर सच्चाई क्या है ये तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं इस मामले का क्या निष्कर्ष निकलेगा, इसका अभी कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ऐसी और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।